हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। टर्म वन में आपकी केमिस्ट्री में तीन चैप्टर आ रहे हैं, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है। आप लोगों को जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अब पहला पेपर जो होगा टर्म वन में जो एग्जाम आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके टोटली एमसीक्यू पे बेस्ड होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 सीबीएसई टर्म वन में ये चैप्टर आ रहा है बेटा, क्लियर? ओके, सबसे पहले हम बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बताइए। आपको मालूम है, पढ़ा होगा आपने 9th स्टैंडर्ड में, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपके पास एक पेपर है, क्या है बेटा आपके पास एक पेपर, और आपके पास एक पेपर की शीट है, आपने इसको क्या कर दिया बेटा, फाड़ दिया। क्या किया आपने? फाड़ दिया, और इसके सपोज करो 2 और 3 पीसेस कर दिए आपने इस पेपर के। तो यहां पर पेपर जो आपने बेसिकली फाड़ा है उसमें क्या हुआ बेटा, पेपर के 2 या 3 पीसेस छोटे छोटे हो गए। अब इंपॉर्टेंट चीज, इस पेपर में जो आपने पीसेस छोटे छोटे पीसेस किए हैं, क्या ये पेपर जो 2 से 3 पीसेस में मिल रहे हैं आपको, क्या ये अब पेपर नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? यस, अभी भी ये आपने फाड़ने के बाद इनके जो छोटे छोटे पेपर के जो पीसेस किए हैं, ये अभी भी क्या बोलेंगे इनको आप, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। पहले भी पेपर था, आपने जब इसको फाड़ दिया 2 से 3 अलग अलग पीसेस में, तब भी ये क्या है, पेपर है। तो फिजिकल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जो चीज है जिसको आप क्या कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है सर, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल चेंज। समझ में आ रही बात? एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, इस बेसिकली यहां पे आपने 2 से 3 पीसेस में जिस पेपर को आपने फाड़ा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल, टेप और किसी भी फेविस्टिक की हेल्प से वापस से इसको क्या कर सकते हैं, चिपका के वापस वही पेपर को लेके आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा सर। कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट चीज। बट अगर आप इसी पेपर को क्या कर देते सर, बर्न कर देते, इसी पेपर को अगर आप क्या करते, बर्न करते, तो क्या होता सर, ये पेपर बर्न होने के बाद इसकी राख बन जाती है इस पेपर की, और साथ में हमें कौन सी गैस मिलती है, एक CO2 गैस मिलती। क्या मिलती? बर्न होने के बाद एक हमको गैस मिलती साथ में, ठीक। बर्न होने के बाद क्या मिलती बेटा, एक गैस मिलती। तो यहां पे अब आइडेंटिटी क्या कर दी पेपर ने अपनी, पेपर ने अपनी आइडेंटिटी बर्न होने के बाद क्या कर दी बेटा, लूज कर दी। तो इन केमिकल चेंजेस और इन केमिकल प्रोसेस व्हाट विल हैपन, दे लूज देयर आइडेंटिटी, बट इन फिजिकल चेंजेस दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है? तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, ये जो ऐश मिली आपको और जो गैस मिली, क्या वापस से कंबाइन होके ये पेपर बन सकता है क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? नो सर, अब ये पेपर नहीं बन सकता। एक कपड़ा लिया, काट दिया उसको आपने, वापस जोड़ दिया, वापस वही पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया, एक क्लोथ का पीस मिल गया। लेकिन अगर आपने उस क्लोथ को बर्न कर दिया, तो क्या वापस से आप उसको क्लोथ को लेके आ सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नो सर, ठीक। तो केमिकल चेंजेस में अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है, बट फिजिकल चेंज में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एंड केमिकल चेंजेस इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस? इररिवर्सिबल प्रोसेस, वापस से आप इसको लेके, पेपर को वापस से
लेके नहीं आ सकते, वापस पेपर नहीं बन सकता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो जितने भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जनरली केमिकल जो रिएक्शन से वो क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं. एच को और CO2 को कंबाइन करके वापस आप पेपर को लेके नहीं आ सकते, पेपर को बना नहीं सकते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. समझ में आ रही है इतनी बात. अब आपकी डेली लाइफ में इतनी तमाम तरीके की रिएक्शंस चल रही हैं डेली लाइफ में, जो आप प्रैक्टिकली देखते भी हैं, ठीक. तो उन्हीं को हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं उन्हीं में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. तो इसी चैप्टर में हम पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कितनी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक. तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आपके सिलेबस का, इस चैप्टर का. सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक. केमिकल रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कैसे आप किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर रिएक्शन, यहां पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इन कंडीशंस के बिहा पर कि यहां पर क्या हो रही है बेटा, रिएक्शंस चल रही है, ठीक. सेकेंड इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, सॉरी इससे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है. कैसे हम किसी भी रिएक्शन को, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं, इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप्स की आपको पता है. जैसे कि हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. लास्ट हम कुछ अफेक्ट्स देखेंगे ऑक्सीडेशन के, और एक लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी एंड करोजन. इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करूं. तो आज हम बेसिक देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और कैसे आप इसी रिएक्शन को या इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक. तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन. इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन. सर अभी बताया आपने क्या होता है, बताओ केमिकल रिएक्शन. इट इज द प्रोसेस, ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है. अभी आप डेफिनेशन याद करने का सिर्फ समझें आप तो ज्यादा, क्योंकि आप लिखने वाली चीजें एग्जाम में टर्म वन में तो नहीं आएंगी. तो कंसेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा आपके एमसीक्यू करेक्ट होने के चांसेस बनते हैं. तो कंसेप्ट को, बेसिक्स को, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, उतने ज्यादा एमसीक्यू आपके करेक्ट होने के चांसेस बनते हैं. ओके, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक चीज ले लो आप, ठीक है. उसको आपने रिएक्ट कराया किसी चीज के साथ में, उसके बाद जो एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी टोटली, जो चीज रिएक्ट करके बनी है उससे टोटली डिफरेंट होंगी. तो यही होता है हमारा केमिकल रिएक्शन. इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. नए सब्सटेंस मिलते हैं 2 या 3 चीजों को रिएक्ट कराने के बाद, और उन सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, ठीक. अब सर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये एलिमेंट जो होते हैं, एटम्स होते हैं, ये डिफरेंट हो जाते हैं क्या, अलग अलग हो जाते हैं क्या, ऐसा नहीं होता है. केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट. क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. देयर इज ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. और जब इन एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है. किसके रेस्पेक्ट में, जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं. बात समझ में आ रही है. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है यहां पर. अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ये एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, ठीक है. आपकी केमिस्ट्री लैब में ये जो मैग्नीशियम है, आइदर रिबिन के फॉर्म में या वायर के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक. जनरली हम रिबिन के फॉर्म में बात करते हैं. आपने इस मैग्नीशियम को क्या किया, बर्न कराया, किसके प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन. ऑब्वियसली बात है, अभी यहां पे सराउंडिंग में क्या है बेटा, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन किसके लिए हेल्प करती है, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हेल्प करती है, ठीक.
ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगी सर? एयर से मिलेगी। कहां से मिलेगी? एयर से मिलेगी। मैंने बोला केमिस्ट्री लैब में आपकी ये मैग्नीशियम किस फॉर्म में होगा? रिबिन के फॉर्म में होगा या फिर वायर के फॉर्म में होगा, बट जनरली हम क्या यूज करते हैं? रिबिन यूज करते हैं। जब आपने मैग्नीशियम को बर्न कराया, जो कि सिल्वरी व्हाइट मेटल है, ठीक, जब आपने इसको बर्न कराया तो बर्न कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर आपको एक सब्सटेंस मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, इसको बोलेंगे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। क्या होता है बेटा? MgO। तो यहां पे था मैग्नीशियम, यहां पे था ऑक्सीजन, और यहां पे मिला आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहां पर आपको एक डेजलिंग सी लाइट मिलेगी, चमकती हुई एक लाइट मिलेगी, और साथ में मिलेगा व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा बेटा? ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा जिसको अभी हम समझाएंगे, प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो उसको हम व्हाइट प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इट इज द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो ये एक मैंने बेसिक एग्जांपल लिया। क्या लिया बेटा? मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई अपने ऑक्सीजन के साथ में, जब आपने इसको बर्न करा तो क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब सर, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी इससे, मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से। तो यही हमारी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफर होंगी किससे? मैग्नीशियम से। समझ में आ रही बात? और भी काफी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने। फॉर एग्जाम्पल बताइए क्या? स्टोरिंग ऑफ मिल्क, अगर आप गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर दूध को रख देते हैं, क्या होता है? खराब हो जाता है दूध। तो वो क्या हो गया? स्टोरिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बन रहा है, इसमें भी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन ऑफ फूड। आपको मालूम है हमारा फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, उसकी रिएक्शन पड़ी थी आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर, उसमें भी क्या हो रहा है? रिएक्शन चल रही है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इसमें भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर भी। रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है? जंग लग रही है आयरन में, रस्ट हो रहा है आयरन, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इतनी सारी प्रैक्टिकल चीजें आप लाइफ में देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स का खराब होना, उसको भी क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आप डेली लाइफ में अपने देखते हैं कि यहाँ पे सब में क्या चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको करेक्टरिस्टिक बताऊंगा, उससे आप और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ सर, इन इनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है एक रिएक्टेंट और यहां पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट। क्या लिखा है बेटा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मेरे को बताओ, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? ऑक्सीजन के साथ में। तो ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे इनको हम? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, क्या फॉर्म हुआ बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे बेटा हम? प्रोडक्ट बोलेंगे। विच न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर, जो LHS साइड लिखा जाए उसमें क्या होगा? वो सर रिएक्टेंट होंगे, और RHS साइड जो लिखा जाए उसमें क्या होंगे बेटा? प्रोडक्ट्स होंगे हमारे। क्या होंगे? प्रोडक्ट। या फिर सिंपल वे में, जैसे मैंने बताया, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड विच प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। समझ में आ रही बात? अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन में बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है या वायर है, तो अगर आपने इसको एटमॉस्फेयर में खुला रख दिया आपने, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में क्या सर? एयर। एयर में क्या सर? ऑक्सीजन। तो इस मैग्नीशियम वायर के ऊपर या रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। ठीक है, तो आप इसको जब बर्न करें, तो बर्न करने से पहले ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अगर आपने नहीं रिमूव करी है, तो ये मैग्नीशियम रिबन या वायर प्रॉपर बर्न नहीं होगा।
तो आपको थोड़ा सा हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, थोड़ा प्रॉपर डेजिंग लाइट भी देखने को नहीं मिलेगी। तो उससे पहले क्या करें, आप सैंड पेपर से उस वायर को या रिबन को साफ कर लें, ठीक है। जब आप उसको साफ कर लेंगे सैंड पेपर से तो वो लेयर रिमूव हो जाएगी, और जब वो लेयर रिमूव हो जाएगी तो ईजिली आपका मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न हो जाएगा और आपको एक डेजलिंग लाइट, चमकती हुई लाइट आपको नजर आएगी। इसलिए जब भी ये परफॉर्म करें अपनी केमिस्ट्री लैब में तो थोड़ा दूर होकर करें, क्योंकि वो जो रोशनी होती है आपकी आंखों के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये दूर करना है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हमने बात कर ली मैग्नीशियम की, एक एग्जांपल दे दिया हमने, और बेसिक प्रैक्टिकल लाइफ में इतने सारे एग्जांपल दे दिए आपको कि इन सब में क्या चल रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ओके, अब हमने आपको बताया था कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं इन रिएक्शंस की, जिससे आप पता लगा सकते हैं इजीली कि हाँ यहाँ पर देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो वो करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो करेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। एग्जांपल लेते हैं, आपने लिया जिंक, एक छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए आपने, छोटे छोटे पीस ले लिए किसके, जिंक के। उसमें आपने एक बीकर में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स डाल दिए, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस जिंक के डाल दिए, और उस बीकर में क्या फिल कर दिया बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब सर जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो सर यहाँ पर आपने जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर जब मिक्स किया तो क्या देखने को मिला, सर यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको हमने बोला जिंक सल्फेट। क्या बोला बेटा, जिंक सल्फेट, और साथ में कुछ बबल्स देखे हमने। क्या देखे, कुछ बबल्स, और वो बबल्स किसके देखे हमने, हाइड्रोजन गैस के। किसके देखे बेटा, हाइड्रोजन गैस के। तो इसका मतलब सर यहाँ पे रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया, सर देखिए अभी आपने बोला इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जब कोई गैस इवॉल्व होती है किसी रिएक्शन के दौरान तो आप उसको कह सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन हो रही है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो इट मींस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस से आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि क्या निकल रही है बेटा, या क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। सर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जब जिंक की रिएक्शन हुई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, आपको मिला जिंक सल्फेट, और साथ में एक बबल्स मिले आपको हाइड्रोजन गैस के। और हाइड्रोजन गैस का एक छोटा सा टेस्ट भी है, कैंडल लेके जाएं तो एक पॉपिंग साउंड क्रिएट होती है, तो वहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहली बात तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए, वॉट इज मीन बाय प्रेसिपिटेट। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने के बाद अगर एक सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, तो उस सॉलिड प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया तो क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट पाउडर मिला था आपको। इस व्हाइट पाउडर को क्या बोल सकते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड प्रोडक्ट मिला। अगर आप एक चाइना वॉश लें, चाइना डिश सॉरी, तो उस प्लेट के अंदर आप देखेंगे तो छोटा छोटा व्हाइट पाउडर के फॉर्म में वो कलेक्ट रिबन होता जाएगा, तो उसको क्या बोला आपने, सॉलिड प्रोडक्ट बोला। और सॉलिड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। बात समझ में आ रही है प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो यहाँ पे जो व्हाइट पाउडर है उसको आप क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट कह सकते हैं, सॉलिड है इस वजह से, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्लियर हो गया कि सर एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में या किसी अलग कलर के फॉर्म में, बट सॉलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉलिड। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक PbNO3 का होल ट्वाइस। अब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा सर ये PbNO3 का होल ट्वाइस क्या था, तो मैं बता देता हूँ। इस PbNO3 के होल ट्वाइस को कहते हैं हम लीड या लेड नाइट्रेट। क्या कहते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट। क्लियर, आपने इसकी रिएक्शन कराई KI। अब आप बोलेंगे सर ये KI क्या होता है, तो ये भी बता देता हूँ आपको।
सर ये के आई होता है पोटेशियम आयोडाइड, क्या होता है पोटेशियम आयोडाइड। आपने इसकी रिएक्शन जब कराई इन दोनों की तो क्या मिला के एन ओ थ्री, क्या मिला बेटा के एन ओ थ्री। अब इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। साथ में मिला हमें पी बी आई टू, अब इसको क्या बोलेंगे सर, पी बी आई टू को लेड आयोडाइड, क्या बोलेंगे बेटा लेड आयोडाइड। पी बी क्या होता है लेड और आई टू क्या बोलेंगे आयोडाइड, क्या बोलेंगे बेटा आयोडाइड। पहले ये जो आयोडाइड था के आई था ये कलरलेस था, क्या था बेटा कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं था, ठीक है। दूसरी जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, एक येलो प्रेसिपिटेट मिला, क्या मिला एक सॉल्यूशन के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें येलो वाला पार्ट क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, येलो एक सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा उसके अंदर अलग हो जाएगा। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहां पे रिएक्शन हुई, यहां पे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहां पे हम एक एग्जांपल इसी में बता देता हूं आपको, चेंज इन कलर। पहले क्या बोला मैंने कलरलेस था, फिर कलरलेस से क्या हो गया ये येलो हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन है, ठीक है, जो रिएक्टेंट है उसका जो भी कलर है, रिएक्शन होने के बाद अगर कलर चेंज हो जाता है तो उससे भी आप आइडेंटिफाई या उससे भी आप करेक्टराइज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रही बात, तो कलर के चेंज होने से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रेसिपिटेट के फॉर्म होने से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उससे पहले बताया मैंने अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उस केस में भी क्या हो रहा है बेटा रिएक्शन चल रही है अपनी, ठीक है रिएक्शन हो रही है, ओके। तो थर्ड हो गया हमारा चेंज इन कलर, जो मैंने बताया आपको अभी, चेंज इन कलर का एग्जांपल यही हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चेंज इन कलर में कलरलेस से क्या हो गया बेटा येलो हो गया, तो कलर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर के चेंज होने से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई और यू कैन ईजिली करेक्टराइज बाय द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप अब रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं अगर वो किसी बीकर में कर रहे हैं, और जब आप रिएक्शन के दौरान जब इस बीकर को टच करेंगे अगर वो बीकर गर्म हो गया तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या हो रही है हीट रिलीज हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के बेसिकली बिहाफ पर भी आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिएक्शन कैरिड आउट और नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास एक क्यूक लाइन था चूना, ठीक है, तो क्यूक लाइन को हम चूना भी कहते हैं, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको CaO को, क्या बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हमने किसमें मिला दिया पानी में मिला दिया। जैसे ही इसको आप पानी में मिलाते हो तो देखते हो आप धुआं सा निकलता है, क्या निकलता है धुआं सा निकलता है, और जिस क्या कहते हैं बकेट में या किसी भी चीज़ में जिसमें आप ये कर रहे हैं प्रोसेस वो देखते हैं वो क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो गर्म। अगर एक छोटे से बीकर में आप कर रहे हैं तो बीकर भी क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम, तो हमें मिलता है स्लेक्ड लाइन, क्या मिलता है बेटा। अब इस स्लेक्ड लाइन का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं CaOH का होल्ड टाइप, क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में देख रहे हैं आप प्लस में मैंने क्या लिखा हुआ है हीट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा आप साथ में हीट लिख सकते हैं एनर्जी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी लिख सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है कि इस रिएक्शन के दौरान एक प्रोडक्ट तो मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या मिलेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। तो यहां पे हीट क्या हो रही है बेटा प्रोड्यूस हो रही है, इन दिस केस हीट इज प्रोड्यूस्ड, और जब किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अभी इसको बाद में और डिस्कस में डिटेल में कर लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस, जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया बकेट का बीकर का टेम्परेचर क्या हो गया बढ़ गया, देयर इज अ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देयर इज अ राइजिंग टेम्परेचर। व्हेन देयर इज अ राइजिंग टेम्परेचर इट मींस हीट इज
रिलीज, हीट इज प्रोड्यूस, तो यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां रिएक्शन टेक प्लेस, यहां रिएक्शन हो रही है साहब, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने एक एग्जांपल और लिया। अब सर आपने बोला हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हीट एब्जॉर्ब भी हो रही हो, या हीट देनी पड़ रही हो रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ रही हो। यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हमें हीट देनी पड़ती है, जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तभी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अगर आप उनको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ओके, एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास एक NH4Cl है। क्या है बेटा? NH4Cl। इस NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? अमोनियम क्लोराइड। और हमने इसकी रिएक्शन कराई BaOH का होल्ड प्राइस। इसको बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड, BARIUM, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बी ए किसका सिंबल है? बेरियम का सिंबल है। और यहां पे OH मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, ठीक। BaCl2 मिला हमको, क्या मिला? बेरियम क्लोराइड। साथ में मिला हमको अमोनिया और साथ में मिला हमको H2O। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, जब आप किसी भी बीकर में ये रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे यहां पर उस बीकर का टेम्परेचर गिर जाएगा और वो बीकर आपको ठंडा लगेगा। जब आप उसको छुएंगे, टच करेंगे, तो वो बीकर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसने हीट को क्या किया है? एब्जॉर्ब कर लिया। जब किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो उसका टेम्परेचर कम कर देता है, और जब टेम्परेचर कम कर देगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरह जब आप उस बीकर को छुएंगे तो क्या होगा? कोल्ड, आपको ठंडा लगेगा। तो सिंपल सा डिफरेंस है सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होंगी बेटा? हीट प्रोड्यूस होंगी। क्या होंगी बेटा? हीट प्रोड्यूस। और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? हीट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आपको CaOH का होल ट्वाइस तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी आपको? हीट भी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? एंड लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। इसका सिंपल सा एग्जांपल, कैंडल है आपके पास, ठीक है। क्या है आपके पास? कैंडल। कैंडल किसकी बनी होती है? जनरली वैक्स की, ठीक। तो जब इसको आप बर्न करेंगे, कैंडल को बर्न करेंगे, इसका कंबशन होगा, तो क्या होगा सर? इसकी कैंडल की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बर्न हो रहा है तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी सर। कुछ वाटर के फॉर्म में भी पार्ट मेल्ट होगा तो वाटर के फॉर्म में जाएगा, और वो सॉलिड से क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड से किस में? गैस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उस कैंडल की जो वैक्स की बनी हुई है, यहाँ पर क्या हो रही है? उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। और फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो आपने बोला क्या हो रहा है यहाँ पर? रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब आप चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ पे मिला जिंक सल्फेट, और क्या इवॉल्व हुई बेटा? हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में भी टेम्परेचर राइज होता है। अगेन इसको अगर आप बीकर को टच करेंगे तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा? बीकर गर्म हो जाएगा। बीकर अगर गर्म हो रहा है तो हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो उस बीकर का टेम्परेचर क्या कर देगी? बढ़ा देगी। इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो दो या दो से ज्यादा करेक्टरिस्टिक भी शो कर सकती है। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, यहां पे दो करेक्टरिस्टिक शो हो रही हैं। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है? देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखता हूं, यहां पर देखो हमें एक प्रेसिपिटेट भी मिला, ठीक है। क्या मिला? एक सॉलिड प्रोडक्ट भी मिला, और साथ में कलरलेस से क्या हो गया? येलो हो गया। कलरलेस से क्या हो गया? येलो। तो यहां पे कलर भी चेंज हो रहा है और एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। तो एक रिएक्शन में दो करेक्टरिस्टिक या दो से ज्यादा करेक्टरिस्टिक भी शो हो सकती हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, एग्जाम्पल दिया हमने आपको। ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिए हमने आपको। यहां पर मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई कि किन करेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा, कि रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। अब हम आएंगे सीधे सीधा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहली बात तो बेटा ये आती है हमारे पास कि सर केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर हमने आपको बता दिया कि सर क्या क्या ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, ये भी हमें समझ में आ गया। सर पांच तरीके हैं टोटल हमारे पास, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो गया, चेंज इन कलर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इन पांच तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी किसकी, जहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, ठीक। जिंक की रिएक्शन कराई थी हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या मिली थी, हाइड्रोजन गैस। क्या मिली थी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई थी, ठीक। अब एक बात बताइए, ऐसी तो बहुत सारी क्या कहते हैं रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं, बड़े बड़े उनके नाम होते हैं, तो ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा सर लिखने के लिए। अगर ऐसे पूरा पूरा लिखेंगे तो इट इज़ अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, इट इज़ अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी सब्सटेंस हैं, हमने उनके क्या लिखे, सिंबल लिखे या उनके फॉर्मूले लिखे, क्या लिखे, केमिकल फॉर्मूला, क्या लिखा उनका, केमिकल फॉर्मूला या उनके सिंबल्स लिखे, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन हमने पढ़ा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए जरा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसको पूरा लिखने के बजाय आप उसका सिंबल लिखिए, आप उसका फॉर्मूला लिखिए, तो वो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो ये मेथड जो होता है इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को ही जो हम फॉर्मूले और सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो दोनों क्या थे बेटा, रिएक्टेंट थे। क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब सर ये तो बहुत बड़ा हो गया लिखने के लिए, जिंक का सिंबल क्या होता है सर, Zn होता है, क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है सर, H2SO4 होता है सर। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4 होता है। और हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो देखिए ये लिखना आसान है, सीधे सीधे लिख दिया, बहुत जल्दी भी हो गया काम अपना, पूरा पूरा लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया, Zn प्लस H2SO4, एक एरो लगाया, ZnSO4 लिखा और H2 लिखा। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, रिएक्टेंट। किस फॉर्म में हो गए अब ये, इनके सिंबल्स या फॉर्मूले के फॉर्म में। ये जो एरो लगाते हैं ये आपको बताता है कि अब रिएक्शन होने के बाद आपको क्या चीज मिलने वाली है, ठीक। दिस एरो रिप्रेजेंट कि अब रिएक्शन जो हो रही है आपको क्या सब्सटेंस मिलने वाला है, ठीक। तो हमको क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2 मिला। अभी भी यहां पर ये इक्वेशन जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है। रीजन क्या, यहां पर आपको मालूम है जिंक की स्टेट क्या है, इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। H2SO4 यहां पे आपको रिएक्शन सिर्फ लिखी हुई है, किसी को नहीं मालूम है तो वो बता सकता है क्या कि सर ये H2SO4 है, किसी को मालूम है, बहुत अच्छी बात है कि H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, बट किसी को अगर नहीं मालूम है तो कैसे और इन्फॉर्मेटिव हम किसी इक्वेशन को बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे केसेस। तो हमने यहां पे लिखा है टॉपिक टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, या मोर इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो कैसे मिल सकती है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट समझिए, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखिए। क्या लिखिए उनकी, अब फिजिकल स्टेट सर क्या क्या हो सकती है, सर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तीसरा गैस हो सकता है, और फोर्थ वन इज एक्वस। जो सॉल्यूशन पानी से मिलके बनाया जाए उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एक्वस। तो यहां पर वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। वाटर से मिलके जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने पानी में क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में मिलाया तो क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब देखिए यहां पर Zn के आगे मैंने क्या लगा दिया, S लगा दिया। S मतलब
एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस एंड ए क्यू मतलब एक्वस। समझ में आ गई बात। तो यहां पे हमने क्या किया, जेड एन के आगे क्या लगाया, एस। ये था हमारा H2SO4, इसके आगे लगाया ए क्यू। अब ए क्यू से क्या मालूम पड़ेगा, बताया मैंने आपको अभी, एक्वस सॉल्यूशन है ये, ठीक। किससे मिलकर बनाया गया ये सॉल्यूशन, पानी से मिलकर बनाया गया। ZnSO4 भी किस कैसा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। H2 क्या होती है, गैस होती है। मैंने इसके आगे जी लगा दिया। इसका मतलब यहां पर सर आपने उसकी फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया, रिएक्शन सिंबल के, रिएक्शन जो है पहले तो हमने इक्वेशन में बनाई। इक्वेशन में बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके सिंबल्स या उसके फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर्मूले लिखने के बाद हमने उसकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी, तो हमारे पास इक्वेशन और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इन्फॉर्मेटिव हो गई रिएक्शन हमारी, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। इसकी रिएक्शन अगर CO2 के साथ में हो, ये देखो एक्वस है, क्या ये एक्वस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में कराई जाए तो हमको मिलेगा CaCO3। क्या मिलेगा, CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पे एक हमें व्हाइट पीपीटी मिल रही है, क्या मिल रही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और साथ में H2O। अब यहां पे एक्वस, गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये रिएक्शन इक्वेशन को क्या बना रही है, इन्फॉर्मेटिव बना रही है। क्या बना रही है बेटा, इन्फॉर्मेटिव। आपको रिएक्टेंट मालूम पड़ गया, प्रोडक्ट मालूम पड़ गया, उनकी स्टेट भी मालूम पड़ गई। तो कुछ रिएक्शन में और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जहाँ से हम रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो पहली होगी कि आप उसकी फिजिकल स्टेट लिखिए, तो रिएक्शन और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड में लिखा हुआ है, जिंक एक वर्ड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक वर्ड है, जिंक सल्फेट एक वर्ड है, हाइड्रोजन एक वर्ड है। इस वर्ड इक्वेशन को हमने किस में लिख दिया, सिंबल में लिख दिया। किस में लिख दिया, सिंबल में या फॉर्मूले में, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। अभी बताया था मैंने आपको कि हीट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है जब रिएक्शन हो रही होती है। अब यहाँ पे हीट राइज भी सकती है और हीट डिक्रीज भी सकती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी सकता है। अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो सर उस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, अभी बताया था मैंने आपको, उस केस में सर क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं एक्सोथर्मिक के और एंडोथर्मिक के, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या क्या, बेसिकली किन किन कंडीशन में देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ दो पॉइंट भी लिखे हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे लिखी, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन, एंड वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मेरे को बताइए, कार्बन की रिएक्शन जो सॉलिड फॉर्म में है, इसकी आपने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराई, क्या मिलेगा, कार्बन को अगर बर्न करेंगे आप तो क्या मिलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है सर, हमारे पास सिंबल्स हैं, ठीक, हमारे पास फिजिकल स्टेट है, ठीक। और हमें सर एक चीज और इन्फॉर्मेशन यहां पर मिल रही है, क्या सर, हमें हीट एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है, हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक का, क्योंकि यहां पर H2 तो इवॉल्व होता ही है, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मिथेन। CH4 को बोलते हैं मिथेन। क्या बोलते हैं बेटा, मिथेन। ये जो मिथेन होती है किस फिजिकल स्टेट में रहती है, गैस के फॉर्म में रहती है। अगेन इसको जब आप बर्न करते हैं, ठीक, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या मिलता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। H2O सर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, और साथ में क्या मिल रही है हमको बेटा, हीट एनर्जी। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। अब बात कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन की। आपने लाइफ प्रोसेस में जब रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट किया होगा तो वहां पे आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में एक रिएक्शन लिखी होगी, जो ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, जो ये ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, साथ में H2O फॉर्म होता है, और साथ में सर हमको यूजेबल एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने सारे काम कर पाते हैं। बोलो कितना ATP, कितना ATP, 38 ATP, कितना, 38 एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक।
तो यहां पे भी क्या मिल रही है सर हमको, यूजेबल एनर्जी मिल रही है, उसी एनर्जी की वजह से क्या कर पा रहे हैं आप, काम कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं इसी हीट एनर्जी की वजह से, इसी हीट एनर्जी की वजह से। तो ये रेस्पिरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, रेस्पिरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन किसका एग्जाम्पल है, कंबशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है एंड एक्सोथर्मिक का। तो यहां पे देखो मैंने नोट डाल के एक पॉइंट लिखा है, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है बेटा ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब बात कर रहे हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की। आपके पास नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, क्या है बेटा, ऑक्सीजन गैस, ठीक। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो यहां पे ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये बनाते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या बनाते हैं बोलो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब होता है वन, यहां पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, किस फॉर्म में ऑक्सीजन है, एक के फॉर्म में ऑक्सीजन, इसलिए मोनो। अगर O2 होता तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीन होता तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। बट यहां पे कितना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जब टेम्परेचर गिर जाएगा तो इसका मतलब वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो कौन सी रिएक्शन सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक और देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करो, हीट करो सर। इसको भी हीट किया सर, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया ये डिकम्पोज हो गया, ये स्प्लिट हो गया, ये ब्रेक हो गया, कितने प्रोडक्ट में, दो प्रोडक्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड मिला सॉलिड के फॉर्म में और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ा सर, हीट देनी पड़ी। इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ा, हीट देनी पड़ी। तो जब आप हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट दे रहे हैं तो वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, टूटने के लिए। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है बेटा ये, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आल्सो अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद करो रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है सर, अपना ये खाना, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, C6H12O6 मिलता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और साथ में हमें ये क्या एंड बाय प्रोडक्ट देते हैं, ऑक्सीजन। क्या देते हैं बेटा, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन देते हैं। तो यहां पे सर इसने क्या किया, सनलाइट, सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट के फॉर्म में क्या मिल रही है आपको, हीट एनर्जी मिल रही है, या सिंपल एक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। कुल मिला के अगर वो कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान एनर्जी को ले रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस हमारा किसमें आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, आप वाटर को क्या कर रहे हैं बेटा, अगेन स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। इसको हम सब पढ़ने वाले हैं अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिटेल में, और अभी सिर्फ हम आपको एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहां पे H2O क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। अगर ये डिकम्पोज हुआ है, अभी मैंने बोला ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कैसे डिकम्पोज होता है, जब आप उसके इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराते हैं, तो इसने एनर्जी को क्या किया, H2O को तोड़ने के लिए उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लाइट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, और सिंपल हीट एनर्जी भी हो सकती है। तो यहां पे ये एग्जांपल किसका है, हीट एनर्जी का, यहां पे एग्जांपल किसका है, लाइट एनर्जी का, और यहां पे एग्जांपल किसका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसको इलेक्ट्रिसिटी हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो ये H2 और O2 ब्रेक हो गया और यहां ये रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो इंपॉर्टेंट चीज, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, ओके। थर्ड देखते हैं, फर्स्ट देखा हमने
by indicating the physical state of the reactant and product. Second is to indicate the heat changes in an equation with the, and there are two conditions, exo and endo. Okay, and the third one is to indicate the condition under which the reaction take place. कभी कभी क्या होता है, दो रिएक्टेंट को जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, तो हमें हीट देनी पड़ती है या फिर कुछ कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं. कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना, रिएक्शन को फास्ट करना, रिएक्शन को इजीली कराना. वो काम किसका होता है बेटा, कैटलिस्ट का काम होता है, स्पीड अप करना. बेसिकली बात करें तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना. तो कुछ रिएक्शन के, रिएक्शन में हम देखते हैं कि हम कैटलिस्ट डालते हैं, कैटलिस्ट इन्वॉल्व करते हैं. वो कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, उसका रिएक्टेंट, रिएक्शन में कोई काम नहीं होता. वो रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें उसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ उनका काम होता है स्पीड को इंक्रीज करना. तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, देखिए पोटेशियम क्लोरेट, क्या लिया, KClO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट. इसको हमने हीट कराया, ये डेल्टा का जो सिंबल है ये डेल्टा इज यूज फॉर हीट. डेल्टा किस लिए यूज करते हैं बेटा, हीट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, अब यहां पर MnO2, इसको बोला मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. क्या बोला बेटा हमने इसको, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. तो यहां पे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का क्या रोल है, क्या सर ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है? नो, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ यहां पर काम है जब आप पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं तो उसको तोड़ने में मदद करे, उसकी स्पीड बढ़ा दे. और टूटने के बाद क्या मिला आपको, सर पोटेशियम क्लोराइड मिला हमको और साथ में हमें ऑक्सीजन गैस मिली. तो यहाँ पे KCl जो प्रोडक्ट मिल रहा है KCOL3 से, पोटेशियम क्लोराइड से, क्लोरेट से, तो इसने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ने क्या 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 करा सर, यहाँ पर इसने क्या किया, उसकी स्पीड को, उसकी ब्रेक करने की, तोड़ने की, डिकम्पोज करने की स्पीड को बढ़ा दिया. तो ये हो गया बेसिकली कंडीशन जहां पे रिएक्शन हो रही है. तो यहाँ पे ये कंडीशन भी आप इस एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं. ये डेल्टा तो बता रहा है आप हीट कर रहे हैं और MnO2 बता रहा है आपने इसमें कैटलिस्ट डाला, वो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को बूस्टअप कर रहा है. क्या कर रहा है, बूस्टअप कर रहा है. तो ये हमारे पास तीन तरीके हो गए जहां पे रिएक्शन को, सॉरी इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. ठीक, तो यहां तक अभी हमने कंप्लीट किया. अब सीधा आएंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. उससे पहले एक अच्छा सा टॉपिक देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि उस पर बेस्ड MCQ बन जाए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड क्यों नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए, व्हाई वी नीड द टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये हम डिस्कस करेंगे. और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड लास्ट रेंसिडिटी एंड करोजन. उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. छोटा चैप्टर है तो ईजी भी है. आई होप कि आपको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.